आप कोशिश करिए वैक्स बहुत ही ज्यादा पतली लगाएं, क्योंकि जितनी पतली आप वैक्स लगाओगे ना उतनी ही अच्छी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रही है, जो मेरे हेयर्स की ग्रोथ है वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है। एंड एक चीज का आपको और ध्यान देना है, जिधर की साइड आपकी हेयर की ग्रोथ हो ना उधर की साइड ही आपको जो है वैक्स अपनी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शालू अभिशाल लाइफ स्टाइल, जहां पर आपको मिलती है ब्यूटी, हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट और वीक में दो दिन योगा क्लासेस। तो अगर योगा क्लासेस आपने अभी तक मेरी नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको योगा करना भी है। तो योगा क्लासेस आपको मिला करेंगी ट्यूजडे एंड फ्राइडे, तो शाम को 6 बजे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैक्सिंग का एक ऐसा तरीका जो कि आप बिना वैक्स हीटर के अपने घर पर आसानी से खुद से अपनी वैक्स कर सकते हो। जितने भी आपके अनचाहे बाल हैं वो आप हटा सकते हो। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको किसी भी वैक्सिंग हीटर की जरूरत नहीं है, कुछ भी तामझाम की जरूरत नहीं है। सिंपल, बहुत ही बेसिक से तरीका आपको बताऊंगी और पेन भी बहुत कम होगा। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी, बहुत ही आराम से बताने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वैक्सिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वैक्स की। मेरे पास है यहां पर ये डार्क चॉकलेट वैक्स, जो कि बहुत ही इजीली लग जाती है एंड ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी 100 रुपीज तक। तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो परचेज कर सकते हो। स्ट्रिप ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। ये कोई भी आप टेलकम पाउडर ले लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजर होती है ना स्किन पे तो इसको लगाने के बाद वो इजीली हट जाती है एंड वैक्स जो है हमारी बहुत ही अच्छे से हो पाती है। इसके बाद आपको लेना है एक बाउल, उसमें आपको पानी भर लेना है एंड पानी भरने के बाद आपको उसमें अपने बंद वैक्स के डिब्बे को ही देख लेना है पहले ठंडे पानी में ही कि वो कहाँ तक आ रहा है। तो इसके यहाँ तक जब वो पानी आ जाएगा, जब आधे से थोड़ा ऊपर, तब आप उसको गैस पर रख दोगे। मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ तो ये थोड़ी ही बची है इसमें, तो मैं इस वैक्स के डिब्बे को मैंने ओपन कर लिया है। देन मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है, तो इसी के अंदर मैं इसको बहुत ही आराम से रख दूंगी। एक्चुअली जो हमारी वैक्स है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी लग गया ना तो वो वैक्स फिर काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो हम बहुत ही ध्यान से इसको इसके अंदर रखने वाले हैं। तो ये मैंने इसके अंदर इसको रख दिया है बहुत ही अच्छे से। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। एंड जब ये थोड़ा मेल्ट होने लग जाएगी तो हम स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से चला देंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पानी जो है बॉईल हो रहा है, तो मैंने इस पे ढक्कन ढका हुआ है, देख लेते हैं एक बार। फिर मैं इसको स्पून की हेल्प से देखो ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रही है ना, जब थोड़ा ज़्यादा मेल्ट होगी तब मैं इसको स्पून से चला दूंगी अच्छे से, ताकि ये लगे ना। मैं इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा सा चला रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेल्ट होने वाली है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे एंड इसके साथ फिर हम करेंगे वैक्स। तो चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखिए हमारी जो पानी है वो अच्छे से बॉयल हो गया है एंड जो हमारी वैक्स है ना वो भी अच्छे से हमारी पिघल गई है। तो चलिए अब हम वैक्स इसको बंद कर देते हैं और वैक्स स्टार्ट करते हैं अपनी। तो वैक्सिंग के लिए मैंने सारा सामान ले लिया है, आप देख सकते हो ये मेरी वैक्स है। एक्चुअली मैंने जब पानी लेके आ रही थी तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया था, कभी इसमें पानी चला जाए। तो फिर से हम इसको इसी में रख देते हैं, ताकि ये हमारी जो है मतलब मेल्ट ही रहे, ये ठंडी ना हो। और मैंने लिए सिर्फ स्पून, सिंपल स्पून जिससे आप खाना खाते हो वही स्पून आप यूज कर सकते हो। ये देखिए ये वैक्स का गरम डब्बा था, इसकी वजह से हो गया। तो चलिए गाइस, मैं जो वैक्स करूंगी वो अपने ही हाथ पे करूंगी, तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ग्रोथ है। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वैक्सिंग करने का, तो चलिए वैक्सिंग शुरू करते हैं। क्योंकि ये समर्स का टाइम है तो पहले मैं अपने हाथ पे अच्छे से टेलकम पाउडर लगा लूंगी,
क्योंकि अगर मेरे हाथ पे कोई भी मॉइस्चराइजर है तो वो इजीली क्या हो जाए कि वो हट जाए। नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस डब्बे को बाहर निकाल लूंगी। अगर आपकी वैक्स आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तो आप मत निकालिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इससे फिर स्किन जलने का डर रहेगा। तो आप जब भी वैक्स यूज करें तो आप स्पून को, मतलब वैक्स अपने हैंड पे लगाने के बाद स्पून को इस डब्बे में ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे ना। एकदम से जब आप दोबारा से अपनी स्किन पे यू नो वैक्स अप्लाई करोगे तो वो आपकी स्किन जलने का डर रहता है। तो आप जब वैक्स, फिर उसके बाद पाउडर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी सी वैक्स अपनी स्पून में लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से फूंक मारेंगे एंड अपनी फिंगर की हेल्प से भी आप देख सकते हो एक बार कि ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार फूंक मार लूंगी एंड अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने इसको देख लिया है ज्यादा गर्म तो नहीं है, देन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप कोशिश करिए वैक्स बहुत ही ज्यादा पतली लगाएं, क्योंकि जितनी पतली आप वैक्स लगाओगे ना उतनी ही अच्छी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रही है, जो मेरे हेयर्स की ग्रोथ है वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है। एंड एक चीज का आपको और ध्यान देना है, जिधर की साइड आपकी हेयर की ग्रोथ हो ना उधर की साइड ही आपको जो है वैक्स अपनी अप्लाई करनी है। मतलब मेरे जो हेयर्स की ग्रोथ है वो इधर की साइड है, मतलब आप देख रहे हो इधर की साइड ग्रोथ है, तो मैंने इधर की साइड ही अपनी वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ, तभी आपके ये जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो पाएंगे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको यू नो वैक्स को अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट फिर मैं यूज कर रही हूँ ये स्ट्रिप। स्ट्रिप का आपको ध्यान देना है, जिधर की साइड ये इधर छेद है उधर की साइड से आपको ये अप्लाई करना है। तो चलिए ये मैंने लगा ली है। लगाने के बाद आपको इस तरीके से टैप टैप करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड उसके करने के बाद आपको जिधर आपके हेयर की ग्रोथ थी उधर से पकड़ के और एकदम से खींचना है। तो आप देखिए मेरे जितने भी हेयर्स थे इधर एक भी हेयर नहीं बचा है, सारे हेयर्स रिमूव हो गए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है एंड आप बिना पार्लर के खर्चे के आप घर पे बहुत ही इजीली आप अपनी वैक्स को कर सकते हो। आप देख रहे हो यहां पर आपको हेयर्स दिख जाएंगे। तो फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है। मैंने यहां पर भी टेलकम पाउडर पहले से ही यूज किया हुआ था। आप देखिए मैं जिधर भी अप्लाई कर रही हूं उधर से एकदम प्रॉपरली एक भी हेयर हमारा नहीं बच रहा है, सारे रिमूव हो रहे हैं इजीली। अब देख सकते हैं आप गाइस। और पता है इससे क्या होता है कि जो हमारी टैन की प्रॉब्लम होती है ना वो भी रिमूव हो जाती है। आप डिफरेंस देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए यहां पर और यहां पर, जहां पर मैंने वैक्स कर ली है और जहां पर नहीं की है। अपने दोनों हैंड पे हम यही सेम प्रोसेस अपनाएंगे। पहले आपको टेलकम पाउडर लगाना है, उसके बाद आपको जिधर की साइड आपके हेयर्स की ग्रोथ है उधर की साइड आपको वैक्स अप्लाई करनी है एंड देन आपको स्ट्रिप की हेल्प से उसको रिमूव कर देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप ध्यान से देखेंगे सीख जाएंगे, एक दो बार में आप अच्छे से परफेक्टली कर पाएंगे। फिर आप इधर देख रहे हो मैं कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि इधर वाले हेयर्स की जो ग्रोथ है वो इधर की साइड है। तो अब आप देखिए मैं कैसे इसको हटाती हूँ। पहले हम हटा रहे थे इससे इस डायरेक्शन में, लेकिन जिधर अब जो मेरे इधर के जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ है हमारी इधर से, तो हम इधर से ही स्ट्रिप्स को हटाएंगे। आप देख रहे हैं जहां जहां से मैं ये हटा रही हूँ सारे बाल हमारे इजीली निकल पा रहे हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि जिधर आपके हेयर्स की ग्रोथ है आपको उधर से ही अपने जो हेयर्स हैं उसको निकालना है। तो आप देखिए गाइस जहां पर मैंने वैक्स की है सारे हेयर्स इजीली, अपने राइट हैंड पर भी लगा ली है वैक्स। तो चलिए इसके भी जल्दी से रिमूव कर लेते हैं।
ये देखिए गाइस, जहां पर मैंने ये अप्लाई की थी वहां से एकदम हट गया। बस आपको ध्यान रखना है अपना, आपको ना एकदम से हटानी है, अगर आपने एकदम से नहीं हटाई ना तो आपकी स्किन आ सकती है। तो ये देखिए, कितने इजीली ये हट गई है। ये देखिए गाइस, मैंने अपने दोनों हैंड्स पे कर ली है। चलिए अब हम करते हैं अपने लेग्स पर। तो अभी मैंने इनको अपने हैंड्स को रिमूव वॉश नहीं किया है वाटर में, क्योंकि अभी गरम गरम मैंने वैक्स की है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इनको अच्छे से पानी में वॉश कर लूंगी एंड देन हम इसको मॉइस्चराइज करेंगे। मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज रैशेज या कुछ हो तो उससे वो कवर हो जाता है। तो चलिए अब हम पैरों पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए मेरे पैरों पर ग्रोथ है। तो हम वैक्सिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पाउडर लगाएंगे, टेलकम पाउडर। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे वैक्स। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ग्रोथ, जब मैंने वैक्स अप्लाई की है उसके बाद ये ग्रोथ हमारी अलग ही दिख रही है, ट्रांसपेरेंट एकदम। तो चलिए देखते हैं कि ये, तो मैं थोड़े थोड़े करके ही करूंगी क्योंकि पैर पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है, देन मैं आप देख रहे हो यहां से टाइटली अपने पैरों को मैंने पकड़ लिया है ताकि पेन कम हो, एंड एकदम झटके से मैंने इसको हटा दिया है। तो आप देख रहे हैं जहां पर मैंने वैक्स अप्लाई किया, जहां पे मतलब वो हटाई थी, ये सारे बाल रिमूव हो गए हैं। तो सेम प्रोसेस हम सारी जहां पर हमने वैक्स लगाई है ऐसे ही सेम करने वाले हैं। जहां पर वैक्स करेंगे वहां से पीछे से टाइटली पकड़ लेंगे। टाइटली पकड़ने का फायदा ये होता है कि ज्यादा दर्द नहीं होता जब हम वैक्स करेंगे। तो ये देखिए गाइस, एक भी बाल नहीं बचा, सारे रिमूव हो गए हैं। तो सेम ऐसी प्रोसेस से आप अपने पैरों पर भी कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम पैरों पे भी कर लेते हैं। गाइस ये था मेरा वैक्सिंग का रूटीन, जो मैं आप अपनी वैक्स जैसे मैं करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम खुद से वैक्स कर लें एंड पार्लर का भी खर्चा बच जाए। तो बहुत ही अच्छी, मतलब मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। आप अब खुद से कर पाएंगे वैक्स एंड पेनफुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया जिससे आपके मतलब आपको इस तरीके से करनी चाहिए ताकि आपको पेन ना हो। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।